हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो स्पेस के बारे में यहाँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, इंडिया हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो अंतरिक्ष के बारे में जो भी खोजें की गई हैं उसमें भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया है। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ए का मतलब है यहाँ पर बच्चों अंबालाल, प्रीवियस चैप्टर में हम ये कर चुके हैं। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते थे। रीड अबाउट द गिवन इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स, हमें इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना है और टिक करना है करेक्ट ऑप्शंस पे। ओके, तो हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे, राइट। सो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट, तो ये हमारा था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडियाज अनमैन्ड सैटेलाइट, बिना किसी मनुष्य के जो सैटेलाइट था जो छोड़ा गया था मून के चारों तरफ घूमने के लिए, टू ऑर्बिट अराउंड द मून, वो था चंद्रयान एक। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू पुट अ 35 kg सैटेलाइट नेम्ड रोहिणी इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो पहला इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसने रखा था 35 kg सैटेलाइट नेम्ड रोहिणी को, ओके, इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, वो था SLV-3, राइट। फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-IA। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया था, राकेश शर्मा। ओके, फर्स्ट इंडियन वेदर कम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जहां मौसम के बारे में जो जानकारी मिली थी, INSAT-IA से। ओके, तो बच्चों अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लर्न भी करनी है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।